श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज का विरोध दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है, जिसके चलते अब ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के गांव खाई खेड़ी का है, जहां आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते चल रहे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे बीजेपी के पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल के यहां त्यागी समाज के लोगों का विरोध उस समय झेलना पड़ा जब विधायक जी स्कूली बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा गांव में निकाल रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल को यह स्पष्ट कह दिया कि विधायक जी, जब तक श्रीकांत त्यागी वाला प्रकरण चल रहा है तब तक आप गांव में ना आओ। आपको बता दें कि इस दौरान गांव के ही किसी व्यक्ति ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जो इस समय सोशल मीडिया पर जहां वायरल हो रहा है वही मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बारे में जब हमने बीजेपी के इस पूर्व विधायक प्रमोद ऊंटवाल से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनका कहीं कोई विरोध नहीं हुआ है। प्रमोद ऊंटवाल की माने तो अमृत महोत्सव के अंतर्गत तो पार्टी के सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, मेरी विधानसभा में भी तिरंगे झंडे वितरित किए जा रहे हैं जिन्हें मैं खुद वितरित कर रहा हूं। आज मैं खाईखेड़ी गांव में पहुंचा था जहां प्रधान समेत बहुत से लोग थे जिन्हें तिरंगा झंडा देकर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। मेरा किसी ने कोई विरोध नहीं किया, सब लोग अपने हैं। वहां पर कुछ लड़के थे, उन्होंने कहा कि विधायक जी ये बात है। हमने उनसे कहा कि त्यागी वाला जो प्रकरण आपका चल रहा है उसमें आप लोग हमें ज्ञापन दीजिए, हम आपकी बात योगी जी तक पहुंचाएंगे। वो सब लोग अपने थे। वीडियो में आपने सुना होगा वो लोग कह रहे हैं कि विधायक जी हम पहले से आपका सम्मान करते थे। अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकारी कार्यक्रम पार्टी के द्वारा सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं। मेरी विधानसभा में कम से कम एक हफ्ते से तिरंगा झंडा वितरित किए जा रहे हैं, निःशुल्क मैं वितरित कर रहा हूँ। आज खाईखेड़ी में पहुँचा तो वहाँ कम से कम प्रधान जी जो गाँव के प्रधान थे 100-200 बच्चे महिला जेंट्स सब लोग थे, हाथों में सबके झंडे दिए गए थे। झंडे यात्रा जो हमारा यात्रा निकाली गई उसको झंडी दी गई, झंडी देने के बाद उसके साथ मैं झंडे को लेकर कम से कम गांव तक काफ़ी दूर तक चला ना। मेरा गांव भारतीय जनता पार्टी का गांव मेरा अपना गांव है, किसी ने कोई ऐसा कोई मेरा अपना कोई विरोध नहीं किया। वहाँ पर कुछ लोग कुछ लड़के थे, उन्होंने कहा विधायक जी ये बात है, हमने उनसे कहा भैया जो प्रकरण चल रहा है आपका त्यागी वाला उसमें हमें एक ज्ञापन दीजिए, हम योगी जी से बात करेंगे, आपकी बात रखेंगे। कुछ नहीं किया ना, मेरा बहिष्कार किया, मेरा बहिष्कार क्यों करेंगे, मेरा कोई मैटर है संगठन का है ऊपर जो, मेरा कोई बहिष्कार नहीं है। मैं उनके साथ चाय भी पी रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, वे सब लोग अपने थे ना, कोई ऐसा वीडियो में है। केवल उन्होंने ये भी आपने सुना होगा उसमें वीडियो में कि विधायक जी आपसे हम नाराज नहीं, पहले से हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपके हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से त्यागी समाज के लोग श्रीकांत त्यागी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही त्यागी समाज के लोग विधायक का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने त्यागी समाज के खिलाफ विवादित बयान दिया है। बता दें कि इससे त्यागी समाज के लोगों ने थाने में भी इससे पहले हंगामा और विरोध किया था। अब पूर्व विधायक ने त्यागी समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि मामले का ज्ञापन दे ताकि मामला सीएम योगी तक पहुंचाया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित काल्यान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।